Don't forget to like, share and subscribe our 24/7 channel. Also download our 24/7 app. नमो नमः मित्राणी, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टीचर अड्डा का ये यूट्यूब मंच है। रात्रि के 9 बजे का समय हमारी यूजीसी नेट की कक्षा का समय। कल मैं आपका ये कक्षा नहीं ले पाया, स्वास्थ्य कारणों से कल मुझे ये कक्षा स्थगित करनी पड़ी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते हैं, कैसे हैं आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अशोक जी कह रहे हैं 9 बज गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं 2 मिनट विलंब से हूँ। और उसके बाद चलिए हम लोग आज यूजीसी नेट का हमारा पेपर जो चल रहा था सितंबर वाला, अच्छा खासा पेपर आया हुआ था। और इस पेपर को कराने में देखो 3 दिन में ये पेपर हो पाया है। कारण यह है 3 दिन में होने का भी, क्योंकि हम प्रश्नों पर थोड़ा सा उत्तर देते समय ये प्रयास करते हैं कि ये प्रश्न की प्रकृति को समझा जाए, उसकी भूमिका क्या रही है, उसके विषय में बात की जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं है विषय के 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन प्रश्न पत्र पर विस्तार से विचार होना चाहिए। और प्रश्न पत्र क्योंकि अब थोड़ा सा अलग ढंग से आ रहा है, पहले की अपेक्षा यूजीसी नेट के जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो अपने आप में एक अलग सा पैटर्न बन गया है। तो उसका अभ्यास करने के लिए हमें उसको व्यवस्थित रूप से समझना पड़ेगा। सत्येंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। एक एक प्रश्न ऐसा है जिसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। आप लोगों को एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप में से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि मैं ये जान सकूं और मुझे ये उत्साह रहे कि मेरे साथ कौन कौन लोग जो हैं कैसे कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आपकी परीक्षा आ ही गई है। श्वेता द्विवेदी जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। नमो नमः। आप लोगों की परीक्षा आने ही वाली है। आप लोग कुछ लोगों ने जो पहले से फॉर्म भरा हुआ था दिसंबर वाला वो अपनी परीक्षा दे रहे होंगे, और जो जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरा है, जो अभी एलिजिबल हुए हैं या पहले नहीं भर पाए अब दोबारा भर रहे हैं जून वाला पेपर, तो आपकी परीक्षा 6 अक्टूबर से लेकर के आरंभ होगी। तैयारी कैसे कैसे कर रहे हैं आप लोग मुझे एक बार बताइएगा। जी इप्सिता जी नमो नमः। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, 71वां प्रश्न है ये, आज का हमारा पहला प्रश्न है। और समय हम इसके लिए रखेंगे अपने आप से 20 सेकंड उत्तर देने का, पर प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। अभिकथनम ए पारो वर्य वित्सुतु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। कारणम आर, इसका जो ए का अभिकथन है इसका कारण है, यथा तेन गहन रूपेण वारं वारं स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतोऽस्ति। उपर्युक्त अभिकथनम कारणम आश्रित्य समुचितम विकल्पम चिनोत। कहाँ से ये प्रश्न है आप लोग समझ रहे होंगे इसको, जिन लोगों जो लोग तैयारी कर रहे हैं। आज का एक भी प्रश्न नहीं, प्रश्न खैर ऐसा क्यों कहूँ मैं, एक भी प्रश्न, लेकिन ये यूजीसी नेट की कक्षा है तो DSSSB की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है? आप में से कुछ लोग तो खैर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए भी और ये कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा इस दृष्टि से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, पर व्यवस्थित रूप में कौन आप में से तैयारी कर रहा है? ये कथन है निरुक्त से। निरुक्त में वेदार्थ करने की प्रक्रिया पर बात हो रही है, तो वहाँ कह रहे हैं पारोवरीयविद कौन है? जो परंपरा का को जानने वाला है। पारोवरीय परंपरा को जानने वाले जो लोग हैं उनमें वेदवितृषु, वेद को जानने वाले लोगों में भूयो विद्या प्रशस्य भवति, बहुत अधिक विद्या वाला व्यक्ति प्रशस्त होता है, उसकी वो अच्छा वेद भाष्य कर सकता है, ये बात कह रहे हैं। तो एक तो ये कथन हो गया है, मतलब ये है कि अच्छा वेद भाष्यकार वो हो सकता है, प्रशंसा उस व्यक्ति की हो सकती है जो परंपरा से वेद के अर्थ को जानता हो, जो हमारा पारंपरिक अर्थ करने की परंपरा रही है उसको जानता हो। तो इसका फिर कारण दिया है, किसी के विषय में कह रहे हैं यथा तेन गहन रूपेण वारम वारम स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतोऽस्ति, जिसने बहुत अधिक वेदाभ्यास किया है तो प्रशस्य होगा ही वो। अब ये देखो आप, ये क्या क्या इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए तथा आर उभौ अपि सत्यम, सत्य हैं बिल्कुल, कोई बात दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। किंतु आर इति उचितम कारणम नास्ति इत्यस्य, गलत बात हो जाती है। कारण है तो सही भाई, जो व्यक्ति भूयो विद्य होता है वो प्रशस्त होता है, प्रशस्य होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने बार बार, किसी व्यक्ति ने, किसी भाष्यकार ने बार बार स्वाध्याय से, बहुपरिश्रम से वेदाभ्यास किया है तो वो प्रशस्य होगा ही होगा। दोनों सत्य भी हैं और ए जो अभी कथन है आर उसका उचित कारण है। उभवपि सत्यमस्ति और उभम इति उचित कारणमस्ति, आर जो है वो ए का उचित कारण है, ये ठीक हो जाता है बी ऑप्शन आपका। तो ठीक है जी, वहाँ मैं आपको लिख दिया है केन कर्तुम शक्यते वेदानाम अर्थ, ये विषय चल रहा है। विषयस्मिन् यास्कस्य कथनमस्ति मानवाः तो ऋषयो भवन्ति, मानवाः न तो ऋषयो भवन्ति, मनुष्य जो है वो ऋषि नहीं होते हैं। न तपस्विनः ते तो मंत्रार्थस्य साक्षात्कारं कर्तुम न शक्नुवन्ति, न ही वो तपस्वी होते हैं तो इसलिए वेद मंत्रों का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। पारोवर्य वित्सु तो खलु वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, तो जो लोग परंपरा से वेद का अर्थ जानते हैं वो ही भूयो विद्या, बार बार विद्या का अभ्यास करने के कारण से प्रशस्य होते हैं। तो 71 प्रश्न जो है ये निरुक्त से आपके बीच में था। 72वां प्रश्न है तनु विस्तारे धातोः विधिलिंगी प्रथम पुरुषैक वचने रूपद्वयं भवति। अशोकनी जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है आपने। तनु विस्तारे धातोः विधिलिंगी प्रथम पुरुषैक वचने, प्रथम पुरुष एक वचने रूपद्वयं भवति, तो तनु विस्तारे जो है विधिलिंग में रूप पूछे हैं आपसे। अब तनु विस्तारे जो तनु धातु जो है वो उभयपदी है, तो परस्मयी पद में भी बनेंगे और आत्मने पद में भी बनेंगे, दोनों में अलग अलग बनेंगे। क्या उत्तर आप लोगों का? तो तनुयाद भी बनता है और तन्वीत भी बनता है, ठीक है जी। आपके सामने में तो बी और डी बनेंगे, बी कहाँ है इसमें, बी और डी, ये रहा डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। और आपके सामने रूप लिख देता हूँ मैं, तनुयात ये बनता है आपका परस्मयी पदम में, तनुयात तनुयाताम तनुयुः तनुयाह तनुयातम तनुयात तनुयाम तनुयाव तनुयाम, ठीक है जी। यहाँ तो तनुयात ये बन गया है। और आत्मनेपद में क्या बनता है? तन्वीत बनता है, तन्वीत तन्वीयाताम तन्वीरन तन्वीथाः तन्वीयाथाम तन्वीध्वम तन्वीय तन्वी वही तन्वी मही, ये जो आपके रूप हैं वो चलते। कोई बात नहीं अशोक जी, ये हो जाता है, मुझे भी याद नहीं थे, मैं आपको क्यों इसमें कुछ कहूँ। आप निश्चिंत रहिए, ये हमारी अभ्यास कक्षा है, इसमें डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हम प्रश्नों की प्रकृति तक पहुँचे कि प्रश्न बना क्यों है और क्या प्रश्न आगे आने की संभावना है, इस पर विचार करते हुए हम लोग तैयारी करें अपनी। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अधोलिखितानाम कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। तो कालक्रम के अनुसार इनका क्रम चुनिएगा आप लोग। अब इनका हमें स्पष्ट रूप से कि भाई इस सदी में, शताब्दी में लिखे गए, इस समय लिखे गए, ये तो हमें जानकारी नहीं होगी। तो पर आपको ये जानकारी है कि कब कौन सबसे पहला जो वेद है, उसके बाद कौन सा वेद है, उसके बाद ब्राह्मण कैसे हैं, ये जानकारी तो है ही, इसके अनुसार इसका उत्तर आ जाता है। आप देखो पहले केवल प्रश्न जो बन जाता था, बड़ा इस बार प्रश्न पत्र जो है वो ऐसा बना दिया है कि बहुत अभ्यस्त व्यक्ति इसको अच्छे से कर सकता है। डी कह रहे हैं आप, डी का मतलब ये है कि पहले डी आएगा, पहले तो एक मैं वैसे लिख लेता हूँ, पहले क्या बनेगा, एक नंबर पे ही आएगा अथर्ववेद, उसके बाद आएगा, क्योंकि पहले वेद ही रचे गए। वेद के बाद फिर आरण्यक आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण अब ऋग्वेद पहला है, ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है वो होगा ऐतरेय ब्राह्मण, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। 4 गौपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। 1 2 3 4, तो डी और बी और सी ए बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका, इप्सिता जी का भी और अशोक जी का भी उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो 73 का जो है वो ये उत्तर हो जाता है। को अध्यावेद का यह प्रवोचत कुत अजाता आ जाता कुत इयम विसृष्टि अस्य मंत्रांशस्य को ऋषि काच देवता। तो ये तो प्रसिद्ध है, सरल प्रश्न है, ये तो आप लोग उत्तर देंगे ही। नीतम राठी जी स्वागत है आपका, नमो नमः। कहाँ से है ये, कौन सा सूक्त है? मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ जी। चलिए मैं इस पर बात करता हूँ। ये कौन सा दार्शनिक सूक्त है? नासदीय सूक्त है। नासदीय सूक्त में उत्तर अशोक जी कह रहे हैं बी। बी का मतलब है ए एवं डी। ए परमेष्ठी प्रजापति ऋषि हैं आपके अनुसार, और डी जो है परमात्मा देवता, देवता परमात्मा हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। और नहीं, बी ठीक है, हाँ। नासदीय सूक्त है 10, 129 इसकी संख्या है। 7 मंत्र हैं इसमें, परमेष्ठी प्रजापति ऋषि हैं, और जो देवता इसका सूक्त का है वो है सृष्टि स्थिति प्रलय करता परमात्मा। छंद जो है सारे के सारे मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, ये प्रसिद्ध है। शशि भूषण शुक्ल जी हैं, बलराम राठौर जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जो लोग हमारी, मैं पहली बार आप लोगों को देख रहा हूँ, जो लोग हमारी कक्षा में पहली बार जुड़े हैं, आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन कक्षा हमारी चलती है, बीच में लगभग 10 दिन का हमारा अंतराल ऐसा रहा कि कक्षा अनवरत नहीं चल पाई है, परंतु अब पूरा प्रयास यही रहेगा कि कक्षा में कोई बाधा ना आए। परंतु मेरा निवेदन आपसे है कि एक तो प्रश्न का उत्तर जब दे रहे हैं तो संख्या अवश्य लिखिएगा। और 75वां प्रश्न है, 1846 तमे ख्रीस्ताब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासम च इति ग्रंथः रचितः। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो तैयारी कर रहा है अपनी? जी शुक्ल जी नमो नमः। कैसे कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे एक बार सूचित कीजिएगा, बताइएगा कैसे। किसने लिखा ये वैदिक? अच्छा, आप लोग एक काम और कीजिएगा, आज जा कर के अपनी पुस्तकों से चार्ट बना लीजिएगा कि कौन से पाश्चात्य विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है, क्योंकि इन्होंने अपना संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य को लेकर के काफ़ी काम इन लोगों ने किया है। इनका उद्देश्य भले ही कुछ भी रहा हो, वो मंगल पांडे जी कह रहे हैं 75 का ए। मैक्स मूलर ने नहीं लिखी है जी, नहीं। सी आई थिंक सी विलियम जॉन्स ने भी नहीं लिखी है। रुडाल्फ रोत होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ, रुडाल्फ रोत जो है इन्होंने लिखी है वैदिक साहित्य और इतिहास, वैदिक हिस्ट्री एंड वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री करके एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो इनको, इनसे भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। स्वप्निल शुक्ला जी स्वागत है आपका। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतोऽयं श्लोकः। लीजिए आप इसका उत्तर दीजिए। जी नहीं राजेश जी, हमारा जो कक्षा होती है संस्कृत विषय को लेकर के होती है। और 76 का डी कह रहे हैं नल चंपू से, बिल्कुल नल चंपू से जो है ये है कि सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला, जो दूषित होती, दूषण युक्त होती हुई भी निर्दोष है, और खर जो है वो उससे युक्त होती हुई भी कोमल है, सुकोमल है। नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा, उस व्यक्ति के लिए नमस्कार है जिसने रम्या रामायणी कथा लिखी है। मतलब ये जो अपने प्राचीन कवि हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, प्रणाम निवेदित कर रहे हैं अपना। तो मतलब ये हुआ, यहाँ पर विरोधाभास दिख रहा है, लेकिन सदूषण, खर और दूषण, क्योंकि इसमें उनका वर्णन आया है इसलिए यहाँ पर ये ऐसा लिखा गया है। तो नल चंपू से है त्रिविक्रम भट्ट का। चंपू ग्रंथों में सबसे पहला जो है वो नल चंपू ही है, और मदालसा चंपू भी इनका है। बिल्कुल डी राइट आंसर है आपका। 77वां प्रश्न है, और उत्तर लिखा हुआ था, चलो अगर दिख गया हो तो ठीक है, नहीं दिखा हो तो। समीचीनाम तालिकाम चिनुता, इसमें से आपको जो है वो अच्छे, जो ठीक तालिका है वो चुननी है। दंडी, विल्हण, अघोष, बाण भट्ट जो हैं इनके क्रम के अनुसार आपको ये सजाने हैं। कौन से का कौन सा आपका, ये कौन से कवि की कौन सी रचना है, इसके अनुसार। ए कह रहे हैं, ए का मतलब ये है कि नहीं, चलो पहले हम बात कर लेते हैं। दंडी जो है, दंडी का तो दशकुमार चरितम है ही, और विल्हण का विक्रमांगदेव चरितम है, बाण भट्ट का हर्ष चरितम है, और अघोष जो है उनका सौंदर्यनंद जो है ये है। तो इस तरह से आप देख लेते हैं। ए के सामने आया 3, ए के सामने ये नहीं था, ए के सामने 3 यहाँ आ रहा है, एक भी आंसर दिख रहा है यहाँ पर। और भी चेक कर लेते हैं। बी के सामने, विल्हण के सामने विक्रमांगदेव चरितम, तो ठीक है, बी आंसर आपका जो है वो राइट हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल शशि भूषण जी, बी राइट आंसर है। अशोक पांडे जी सबका ठीक है। जी 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 बिल्कुल। काल क्रमानुसारम अधोलिखितम ग्रंथानाम समुचितम क्रमम चिनुत। अरे भैया उत्तर लिखा आ रहा है। चलिए फिर भी आप लोग जो है अपनी मति से उत्तर दीजिए, बाकी जो लिखा आ रहा है हो सकता है गलत भी हो। चलो डी तो दिख रहा है। सबसे पहले तो महाभाष्य आएगा ही। मैं क्रम इनका समकाल भी लिख देता हूँ। महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है, 185 ईसा पूर्व समय इनका माना जाता है। तो सबसे प्राचीन ये है। यहाँ पर काशी का वृत्ति जयादित्य वामन ने लिखी है, उनके बाद 6ठी शताब्दी का समय इनका रहता है। शब्द कौस्तुभ लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने, और इनका समय 1600 ईस्वी के आसपास का समय रहता है। शब्द कौस्तुभ जो है पाणिनीय सूत्रों की अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या प्राप्त होती है। वैयाकरण भूषण सार जो है वो कौंड भट्ट ने लिखा है, इनके बाद भट्टोजी दीक्षित के समय के ही ये हैं, पर इनके बाद के हैं, तो इनका भी समय यही 1600 ईस्वी दिखाता है, मानते हैं। शब्देंदु शेखर नागेश भट्ट ने है, तो ये सबसे अर्वाचीन हुए इनमें। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। एक काम ये अवश्य कर लीजिएगा जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी अभी तैयारी करने में जुटे हैं, अपना MA कर रहे हैं या कर चुके हैं तुरंत, और आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते समय आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो करना चाहिए इतिहास पढ़ने का। मतलब संस्कृत साहित्य को आरंभ से पढ़ना आरंभ कीजिए, कि मैं पुस्तकों का नहीं बात कर रहा हूँ, इतिहास की बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे जो है, जैसे भरत सबसे आदि आपको दिखाई देंगे, और उनके बाद का पूरा क्रम पढ़िएगा। यहाँ इधर पाणिनि को देख करके पाणिनि से पहले कौन कौन से वैयाकरण हुए हैं उनको पढ़िएगा। ऐसे ही स्मृति ग्रंथों में कुछ प्रमुख स्मृतिकार हुए हैं, और नैरुक्तों में कुछ प्रमुख नैरुक्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अब बहुत अधिक प्रश्न बन रहे हैं। तो UGC नेट में आपको निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न हर पेपर में इस तरह के मिलेंगे, जहाँ रचनाकारों का क्रम पूछा जाएगा आपसे। एक कॉपी पेन लेकर के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और इनको लिखना पड़ेगा। किसी को समस्या है नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा? आप हम मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा वीडियो के शुरू में ही मेल ID मिलेगा आपको, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। अश्वघोष कृतम रचना द्वयम किमस्ति। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए, अश्वघोष के द्वारा रची गई जो रचनाएँ हैं कौन कौन सी हैं? 2 रचनाएँ। आप कह रहे हैं B बुद्ध चरितम सौंदर्यनंद। ठीक है, अच्छा पीछे वो अघोष लिखा हुआ, मैं भी तो कह रहा हूँ कि गड़बड़ क्या हो रही है, वो सौंदर्यनंद में वहाँ सोच रहा कि ये गलत लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो 79 में B आपका बिल्कुल ठीक है। बाकी रचनाएं किस किस की हैं पता होगा, सब कुछ प्रसिद्ध हैं। उत्तरराम चरितम, महावीर चरितम दोनों ही किसकी हैं बताओ जल्दी से। अच्छा रुक जाते हैं इस पर, क्योंकि एक प्रश्न से और भी प्रश्न हमारे ठीक होने चाहिए, कल को प्रश्न आ जाता है। तो किसकी है जल्दी से एक बार बता दीजिए आप लोग। दशकुमार चरितम दंडी अभी पढ़ कर के आए हैं, विक्रमांगदेव चरितम जो है वो विल्हण का अभी पढ़ कर के आए हैं, हर्ष चरितम जो है वो फर्स्ट पेपर के। पुस्तक पूछ रहे हैं आप मुझे? अच्छा पुस्तक देखो, वैसे तो बाज़ार की पुस्तकों पर मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ कि भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ऐसी बात भी नहीं है कि आपको बाज़ार में अच्छी पुस्तकें नहीं मिलती हैं। तो आप जो हैं बाज़ार से पुस्तक लेना चाहें तो संस्कृत गंगा की पुस्तकें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं पुस्तकें, उनका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है। लेकिन बस एक समस्या ये है कि वहाँ भी त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, पूरी तरह से आप उनका पूरी तरह से भरोसा किसी भी पुस्तक पर मत कीजिए। एक बार तथ्यों को अपनी मूल पुस्तकों से चेक कीजिएगा, क्योंकि मनुष्यों से त्रुटियाँ हो जाती हैं। बाकी मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये संस्कृत गंगा की वैदिक वाङ्मय पुस्तक मुझे अच्छी लगी है, मेरे पास है। एक चौखंबा से और एक पुस्तक छपी हुई है, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश, ये नई पुस्तक छपी है, आपको दिख रही होगी। तो इसमें दीपक कुमार हैं लेखक, संजय दत्त भट्ट हैं, इनका प्रस्तुतिकरण भी बहुत चीज़ों में अच्छा लगा है। तो ये भी पुस्तक आपके काम की हो सकती है। संस्कृत साहित्य को लेकर के भी कुछ पुस्तकें और संस्कृत गंगा की पुस्तकें तो आप मंगा भी सकते हैं, अच्छी पुस्तकें होती हैं उनकी। ठीक है जी, हाँ भवभूति उत्तराम चरितम ठीक है, दंडी भवभूति, चलिए ठीक है सबका हो गया है। बुद्ध चरितम अश्वघोष का है ही, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप जो है हाँ ये पुस्तकें आप मंगा सकते हैं, पर आपको इसके लिए कई सारी एक पुस्तक पर आश्रित होकर के काम नहीं चलेगा, कई सारी पुस्तकें आपको मंगानी पड़ेंगी। एक यूजीसी नेट की पुस्तक जो है पुरानी पुस्तक अगर किसी के पास आपको मिल जाती है तो उपकार प्रकाशन की पुरानी पुस्तक छपी थी जो हिंदी में आती थी। मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी है जी, मेरी अभी इतनी योग्यता नहीं हो पाई है, कभी इसको ऐसा अवसर आवश्यकता हुई, वैसे भी आवश्यकता भी नहीं है, बहुत कुछ बाजार में है। ब्राह्मी लिपि है आविष्कारका भारतीय आसन इति को मन्यते, ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक जो हैं वो भारतीय रहे हैं ऐसा मानने वाला विदेशी विद्वान कौन है? दो एक दो विद्वान ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं, बाकी के सब लोग तो अपने अपने मत से कि जी वो विदेशी भाषाओं से। अभी आपने जो लोग पहले जुड़े होंगे, पहले आपने प्रश्न किए होंगे हमारे साथ, तो इसी पेपर में आपको देखो, इस पेपर में 4 प्रश्न केवल इसी से आ गए हैं ब्राह्मी लिपि, 3 प्रश्न आ गए हैं ब्राह्मी लिपि से कि किसने जो है एक व्यूलर को लेकर के प्रश्न आया हुआ था पीछे कि इन्होंने किससे उत्पत्ति मानी है। सी कह रहे हैं वेबर, वेबर ने नहीं कहा था जी, वेबर ने तो, वेबर का तो मत क्या था इसमें, ये सब बाकी इन्होंने उससे ही माना है। जो विदेशी जो रही हैं भाषाएं उनसे ही इसकी उत्पत्ति मानी है, लेकिन एडवर्ड ने माना है कि द्रविड़ से। मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था ये वाला विषय जब हम पीछे बात कर रहे थे, तो उसमें एडवर्ड ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि द्रविड़ भाषा से जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि की। आपका मतलब द्रविड़ हमारी भाषा है और ये हमारी भाषा लिपि है ब्राह्मी लिपि, तो इसके बनाने वाले जो हैं वो द्रविड़ लोग थे, इसको माना है एडवर्ड थॉमस महोदय ने। बाकी इन्होंने सब ने अपने हिसाब से इसको विदेशी भाषाओं से ही इसकी उत्पत्ति मानी है। दोषावस्थः इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कथम अर्थ विद्यते, दोषावस्थः। मेरा आपसे यही कहना है बार बार कि कुछ पुस्तकें सच में अच्छी हैं लेकिन मूल से अच्छा कुछ नहीं है। आप पढ़िएगा कपिल देव द्विवेदी जी का वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़िएगा, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पुस्तक है उनकी, और संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़िएगा, कपिल देव द्विवेदी जी का अच्छा काम है, संक्षिप्त है, अच्छा काम है, उसको पढ़िएगा आप लोग। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी, ये वाला मंत्र है अग्नि सूक्त का। तो इसमें दोषावस्था मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 10-15 साल से पूछा जाने वाला प्रश्न है, दोषावस्था इसका अर्थ क्या है यहाँ पर। तो ये दोषावस्था का जो है रात्रौ और अन्नौ, रात और दिन ये अर्थ है इसका, सूर्य चंद्रमा नहीं है, रात दिन जो है वो अर्थ हो जाता है। सी आंसर है जी इसका, बिल्कुल नीतम जी ठीक कहा आपने। नहीं 81 की बात कर रहे हैं हम लोग, डी नहीं है जी, सूर्य चंद्रमा नहीं है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी, सूक्तों को लेकर के ये सायण भाष्य के अनुसार अर्थ पूछे जाते हैं, तो सायण भाष्य से पढ़िएगा, किसी अपनी इच्छा से नहीं पढ़िएगा। एधेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनानि, एधेताम देखो धातु रूप से भी 2 प्रश्न आ गए हैं इस पेपर में। अभी आपको तनु विस्तारे धातु पूछा था विधिलिंग लकार में, अब एधेताम एध धातु पूछ लिया है, आपके पाठ्यक्रम में है ही। वर्ग 3 में क्या आएंगे, क्या पूछा है आपने, मुझे नहीं समझ में आया। इक्यासी का सी कह रहे हैं लोट लकार प्रथम पुरुष, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। मैं रूप लिख देता हूँ, एधेताम एधताम एधेताम एधनताम, तो एधेताम पूछा था आपसे, एधस्व एधेथाम एधध्वम एधई एधा वही एदाम एधामही, ये रूप आपके बनते हैं। तो सरल प्रश्न था लेकिन वही है कि याद होता है तो सरल हो जाता है, नहीं तो नहीं है। बाकी इस बार गूढ़ पूछा जाने वाला ये रहा है, सब इसमें गूढ़ बहुत अधिक पूछा गया है। प्रश्न है इनकी तालिका को, सही तालिका को चुनना है आपको। गौपथ, ब्राह्मण, बृहदारण्य, कारश्य, तैत्तरीय, ये वाला सरल प्रश्न है। लेकिन अब आपको मैं एक बात बार बार बता रहा हूँ कि इस बार अब जो यूजीसी नेट की पेपर की परीक्षा होती है आपकी, उसमें ये नहीं आता है कि आपको संजय योगी जी क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आया। 83 का ए कह रहे हैं, ए का मतलब है चलो गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है, लोजी बृहदारण्य शुक्ल आर्षेय सामवेद का है, तैत्तरीय ब्राह्मण जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का हो जाएगा, बृहदारण्य शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा। तो इस तरह से गोपद ब्राह्मण ए के सामने 3 दिख रहा है, एक ही स्थान पर है तो बिना पढ़े ही आपका ठीक हो जाता है ये। तो बी के सामने 4 लिखा हुआ है, बी के सामने 4 लिखा हुआ है, ठीक है बिल्कुल। तो आपका एक प्रश्न नहीं पूछा गया है। 81 का क्या गलत हो गया है? 81 में तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है। दोषावस्था, अरे भैया कुछ गलत नहीं है। प्रथम पुरुष द्विवचन बताया है ना हमने, सी लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन बनाया है, बताया है ये वाला। चौरासीवा प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। एधेताम जो है यही तो पूछा था, प्रथम पुरुष और द्विवचन था लोट लकार का। ए कहाँ बताया था? ए नहीं बताया था। चलिए, शम प्रधानेशु तपोवनेशु तपोधनेशु तपोधनेशु, हाँ ठीक है। गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः, तपोवनेषु है ये। शम प्रधानेशु तपोवनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः। तो ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम का है ही, आपको आपने पढ़ा होगा इसको। और ऐसे ही आनीय झटिति घटयति विधि अभिमतम अभिमुखीभूतः अक्षमालाप वृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह ब्राह्मीव दौर्जनी संसद वंदनीया समेखला अदृष्टम अप्यर्थम अदृष्ट वैभवात करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम। पहले ए को देख लेते हैं, ए के सामने 4 कहाँ है? ए के सामने 4 एक ही जगह पर है तो डी आंसर वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपको सबका पता होना चाहिए। तो ये जो है आनीय झटिति घटयति विधि अभिमतम रत्नावली से, अक्षमालाप नल चंपू से है ही, और आपका ये मुझे नहीं ध्यान था, अदृष्टम अप्यर्थम वैभवात करोति सुप्तिर जन दर्शनातिथिम नैषद से है। हाँ डी ठीक है जी आपका बिल्कुल। पता नहीं क्या कह रहे हैं। द्वित्राह इत्यत्र कः समासः, प्रसिद्ध जो है ये, बढ़िया प्रश्न है अपने आप में। बताइएगा ये अरे गलत लिखा होगा भाई। द्वित्राह इत्यत्र कः समासः, बी तत्पुरुष नहीं होगा जी ना, इसलिए तो ये वाला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। तत्पुरुष में तो उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ आपको दोनों ही पद प्रधान हैं, लेकिन फिर भी ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रायः अन्य पद प्रधान जो है वो बहुव्रीहि होता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 विकल्प से है और बहुव्रीहि का उदाहरण बनता है ये वाला। ध्यान रखिएगा इसको आप। इस पर कभी आपको मैं बहुव्रीहि के जो सामान्य बहुव्रीहि और विशेष बहुव्रीहि करके भेद बनते हैं उस पर एक कक्षा में किसी रखेंगे इसको विस्तार से। आज जो है इसको प्रश्न पत्र को पूरा करना है, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अभी टेस्ट सीरीज जो है हमारी मिल रही है यूजीसी नेट को नहीं, DSSSB को लेकर के आप लोग इसको ले सकते हैं, अभी ऑफर में है। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो DS 169 ये कोड यूज करके लगभग 160 रुपये में मिल जाती है। ठीक ठाक प्रश्नों का संकलन है, 2 या 3 प्रश्न मुझे अभी गलत की सूचना मिल गई है कि जिनके उत्तर गलत हैं। ऐसे उत्तर जिनके गलत होंगे 5 से 6 प्रश्न होंगे अधिकतम, बाकी के उत्तर ठीक होंगे, ठीक ही हैं, बाकी चेक किए थे पर वो त्रुटि हो गई होगी। मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि मुझे आप बाद में कहोगे। बाकी के अच्छे प्रश्नों का संकलन है। शुकनासोपदेश, वैदिक साहित्य, समाज, संधि, शाकुंतलम, कारक जो है इन पर प्रश्न हैं और 10 प्रैक्टिस सेट रखे गए हैं। यूजीसी नेट का बैच हमारा शुरू हो रहा है 30 अगस्त से, तो यदि आप चाहते हैं तैयारी करना, जिसमें हम लोग आपको प्रश्नों से तैयारी कराएंगे। 77% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको Y321 कोड यूज़ करके, जिसमें आपको लगभग 2500 रुपये का ये बैच पड़ता है, जिसमें आपको 3 घंटे प्रतिदिन की कक्षा आपकी होगी, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम। एक विषय पर जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं यूजीसी नेट में, उन वो सारे के सारे प्रश्न रखे जाएंगे आपके बीच में। शांखायन आरण्यकः अधोनिर्दिष्टेषु केन सह संबद्धो अस्ति। शांखायन सरल प्रश्न आ गया, देखो। आश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन किससे संबद्ध है, इनका ये किससे संबद्ध है? ये केवल मैं आपको पेपर 2 का बता रहा हूं, अभी पेपर 1 का अलग ही है, पर उसका संख्या के अनुसार वो रहेगा। बाद में वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उसमें आपका जो मार्जिन पड़ेगा मेरे ख्याल से 500-600 रुपये और अतिरिक्त पड़ेंगे आपको, दोनों का कंबाइंड जो है वो मिल जाएगा। पर अभी वो पहले से कमिट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक बार पहले सभी विषयों का अलग अलग जो लोग हैं उनको देख करके ये बाद में बताया जाएगा। अभी पेपर 2 की केवल बात कर रहे हैं। पेपर 2 में ये 2500 केवल पेपर 2 का है आपका, और फिलहाल डबल वैलिडिटी ऑफर में है, आपको 1 वर्ष के लिए रहेगा ये। आपके अभी जो हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम आ रहे हैं कई सारे, उन सब में भी काम आएगा। ऋग्वेद का है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ये वाला। ठीक है जी। तर्क भाषा के अनुसार अयुत सिद्धयोः कः संबंध? अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? तौ एव अयुत सिद्धौ, क्या पता हो, याद होगा, एक जो है नष्ट ना होता हुआ, दूसरा बना रहता है। तो समवाय संबंध होता है अयुत अयुत सिद्ध में। 86-87 का जो आंसर है वो बी हो जाता है। ठीक है। सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग इत्यस्य को अर्थ? प्रत्यय सर्ग से क्या अर्थ है यहाँ पर? हाँ जी, समवाय संबंध, ठीक है पूनम शर्मा जी। आपको जो भी 2004 से लेकर के और अब तक 2019 तक पेपर उपलब्ध हैं हमारे पास सारे के सारे, उन प्रश्नों को व्यवस्थित करके अलग अलग कर लिया गया है। एक विषय के प्रश्न एक जगह, दूसरे के दूसरी जगह, इस तरह से करके पढ़ाएंगे। आप लोग वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रत्यय बुद्धि तस्य सर्गः, प्रत्यय सर्गः कार्यम। ठीक है जी, ये आपका हो जाता है ए। बुद्धि का जो सर्ग है 82 का ए, ठीक था गुरुजी कह रहे हैं, पता नहीं आपका तो क्या हो सकता है। चलिए ठीक है जी। संजय जी आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो जो बताया गया है वो आपको प्रमाण सहित बताया गया है, देख लीजिएगा। मनुमते अनधियानो विप्रो की दृश्य भवती, जो पढ़ता लिखता नहीं है ब्राह्मण वो कैसा होता है ये पूछा गया है। काष्ठमयो हस्ती, चर्ममयो मृग, शक्तिमयो सिंह, गतिमयो अश्व। याद होगा श्लोक आपको। तो इनमें से अनध्यान विप्र जो कहा गया है उसके विषय में कौन से 2 विशेषण उसके लिए प्रयोग किए गए हैं? काष्ठमय हस्ती और चर्ममय मृग जो है, ये दोनों उसके लिए आया है श्लोक। ए और सी, ए और सी, ए और सी, ये रहा सी और ए, सी आंसर है इसका। अशोक जी संख्या लिखिएगा अवश्य, आपके सामने रहा। यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो अनधियानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। ठीक है जी। काष्ठमयो हस्ती, चर्ममयो मृगः, ये वाले जो हैं विशेषण प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर। अधोलिखितानाम काल क्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। लो भैया इनका क्रम चुनना है, वेद भाष्यकारों से प्रश्न आया हुआ है। इस वाले पेपर में बहुत अधिक साहित्य के प्रश्न नहीं दिखाई दिए हैं, मतलब साहित्य का जैसे सूक्तियाँ बहुत अधिक हों रहे हैं, पर वो वाला क्रम कम दिखाई दिया है। सबसे अधिक जो प्रश्न यदि कहीं से आए हैं तो वो आए हैं भाषा विज्ञान से। भाषा विज्ञान को लोग कम पढ़ते हैं और बाकी विषयों को अधिक पढ़ते हैं, तो ये भी है कि भाषा विज्ञान से बढ़िया पेपर आया हुआ था ये वाला। दूसरा, वेद के प्रश्न भी ठीक ठाक रहे हैं इस वाले पेपर में। इस पेपर को देख करके बस ये वाला पैटर्न जो है ना, ये वाला पैटर्न पर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाली इनमें से कोई प्रश्न हो और केवल चार ऑप्शन चुन करके आपको लगाना हो तो थोड़ा सरलता हो जाती है, यहाँ कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। आपको चारों में से चेक करना होता है, चार में से कम दो तो ढंग से पता होने चाहिए। तो जैसे कालक्रम पूछा है, कालक्रम में सबसे प्राचीन तो स्कंद स्वामी है, समय तो इनका नहीं सही रूप से पता है। और अर्वाचीन में यहाँ पर देखो सबसे अर्वाचीन जो है वो दयानंद हैं। दयानंद अभी हुए हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच के। और सायण जो हैं वो प्राचीन उव्वट जो हैं वो रहे हैं भोज के समय के, राजा भोज के समय का इनका समय दिखता है, मतलब 11वीं शताब्दी। और सायण भाष्य जो हुआ है वो हुआ है हरिहर बुक्का के समय में, मतलब 14वीं शताब्दी में। दक्षिण के पंडित थे ये। तो इस तरह से लगता है आपको एक दो तीन और चार। सी पहले नंबर पर यहाँ आ रहा है। लो जी, सी ए बी डी, सी आंसर आपका हो जाता है, ठीक उत्तर है आपका बिल्कुल प्रिया जी। और पूनम जी का भी है, हाँ जी बिल्कुल। सीमा जी, डी नहीं बनेगा क्योंकि बी पहले, दयानंद तो सबसे बाद के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेद भाष्यकारों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया था। अब परिच्छेद जो दिया हुआ है 91 से 95 तक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस गद्यांश से पूछे जाएंगे। ये गद्यांश पढ़ना है और उसको पढ़ करके उत्तर देना है। उपर उपलो मेघो भवति, कहाँ से है? निरुक्त से है। निरुक्त के दूसरे अध्याय से ये वाला है, जहाँ आपको मेघ के नामों की चर्चा की गई है, ठीक है जी। उपर उपलो मेघो भवति, उपरमन्ते अस्मिन् अभ्राणी उपरता आप इतिवा तेषाम एषा भवति। इसके मेघ के विषय में ये वाला मंत्र जो है, ये वाली ऋचा आती है। देवानाम माने प्रथमा अतिष्ठन कृंतत्रात एषाम उपरा उदायन त्रयस नपन्ति पृथ्वीम अनुपा द्वावृभुकम वहतः। तो ये इसका भाष्य जो किया है वो किया है पुरुषम देवानाम निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन, माध्यमिका देवगणः प्रथम इनि मुख्य नाम प्रथमो भवति, कृंतत्रम अंतरिक्षम। ये देखो यहाँ पर आपको एक तो जो भी इस तरह का गद्यांश आता है उसमें मैं एक बार अपना बीच में मैं आ रहा हूँ, तो इसको मैं अपने को बंद कर लेता हूँ। अब आपको स्क्रीन पर केवल यही दिखाई देगा। एक तो ये कोई भी गद्यांश आता है उसमें कोई भी परिभाषा है आपको तुरंत उसके विषय में मार्क कर लीजिए। जैसे कृंतत्रम अंतरिक्षम आया हुआ है, विकर्तनम मेघानाम कृंतत्रम अंतरिक्षम विकर्तनम मेघानाम। जो कृंतत्र है उसे वो अंतरिक्ष के लिए शब्द आया है कृंतत्र, और वहाँ क्या होता है? विकर्तनम मेघानाम, मेघों का कटाई छटाई होती है, इसी कारण से वर्षा होती है। विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते, मेघों का विकर्तन करने से उदक जो है उत्पन्न होता है। त्रयस तपन्ति पृथिवीम अनुपाह, संजय जी मैं एक बार दोबारा देख लूँगा प्रश्नों को, इसका मतलब आप जो है सच में कोई गड़बड़ हुई होगी क्या, देख लेता हूँ मैं भी। त्रयस तपन्ति पृथिवीम अनुपाह पर्जन्यो वायुरादित्य शीतोष्ण वर्ष रोधशी, शीतोष्ण वर्ष वर्ष रोषधि पाचयन्ति अनुवपन्ति लोकान् स्वनेन स्वेन कर्मणा अयम अपि इतरो अनूप एतस्माद् एव अनुप्यत उदकेन अपि वान वा। चलो एक बार ऐसा करते प्रश्नों को पढ़ करके तब इस पर आते हैं, एक एक प्रश्न पढ़ते रहेंगे, उसका उत्तर यहाँ पर देखते रहेंगे। विषय जो चल रहा है यहाँ पर मेघ की नाम चल रहे हैं, मेघ के कितने नाम हैं उस पर 30 नाम जो हैं वो मेघ के दर्शाए गए हैं इसमें। पहला प्रश्न इससे उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु ब्रिभुकम इति पदस्य अर्थम चिन्हुत। व्रिभुकम, व्रिभुकम जो है वो किसके लिए कहा गया है तो पीछे एक बार देख लेते हैं हम लोग। व्रिभुकम आया था, ये रहा व्रिभुकम। व्रिभुकम को देखेंगे ढूंढ करके इसमें, ये रहा सबसे नीचे। द्वौ व्रिभुकम वहतः पुरीशम वायो आदित्या उदकम व्रिभुकम इति उदकम नाम। व्रिभुकम इति उदक नाम यहाँ से आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर ये हो गया है व्रिभुकम उदक नाम। तो जल का नाम जो है व्रिभुक हो जाता है यहाँ से, व्युत्पत्ति जो दी हुई है। 92वां प्रश्न है आपका उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु त्रयस्तपन्ति इत्यस्य वाक्यस्य अभिप्रायः कः। तीन जो हैं, त्रयस्तपन्ति इसका अनुवाद जो अभिप्राय है यहाँ पर क्या है, त्रयोतापः पृथ्वीं तपन्ति मनुष्याणां पापानि पृथ्वीं तपन्ति पर्जन्यो वायुरादित्यः पृथ्वीं तपन्ति सूर्यरश्मयः वडवानलं च पृथ्वीं तपन्ति। यहाँ से जो आपको पंक्ति दिखाई देगी वो पंक्ति दिखाई देगी। भूपेंद्र जी कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ से मिलेगी का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ आपको। पर्जन्यो वायुरादित्याः पृथ्वीं तपन्ति, ये इस मंत्र में पंक्ति जो है वो आई हुई है, अभी पढ़ रहे थे जहाँ हम, तो ये पढ़ करके हो जाता है त्रयस्तपन्ति पृथ्वीं अनूपाः पर्जन्यो वायुरादित्यः। तीन जो हैं कौन कौन से, पर्जन्य वायु और आदित्य जो हैं वो पृथ्वी को तपाते हैं, ये भाव है। उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु कृंतत्रम इति पदस्य अर्थम चिनुत। तो कृंतत्रम अभी हमने पढ़ाई है, क्या पढ़ा है, कृंतत्रम किसके लिए आया हुआ है, कृंतत्रम अंतरिक्षम, जहाँ पर जो है वो इनकी कटाई छटाई होती है मेघों की, इस पर बात हो रही थी। 94वें प्रश्न की ओर चलते हैं। उपर इति पदस्य अर्थम चिनुता। तो उपर मेघ के नाम आए हैं आपके, उपर उपल इति मेघ, उपर उपलो मेघो भवति, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था। 95वां श्लोक है। उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु अनूपाः इति पदम केषां विशेषणम अस्ति। अनूपाह जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, अभी हमने देखा था त्रयस्तपन्ति अनूपाह, क्या क्या है वो, वायुरादित्य पर्जन्य नाम, वायु आदित्य पर्जन्य जो है इनके लिए अनूपाह शब्द का प्रयोग किया गया है। आज एक बार जा करके दूसरे अध्याय में इसको अवश्य पढ़िएगा, थोड़ा सा गूढ़ विषय है, 2-3 घंटे लगेंगे अगर नहीं पहले पढ़ा था तो। इसका पूरा का पूरा प्रसंग एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे के लिए सब अच्छा हो जाएगा। तो अगला भी जो है 96 से 100 प्रश्न है, ये भी अनुच्छेद एक आपको परिच्छेद दे दिया गया है। इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्ववल्ली वल्ली नाम। तो ये आपको दिख रहा है शुकनासोपदेश से है, जहाँ पर आप लक्ष्मी के विषय में बात करते हैं। इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्ववल्ली नाम, तृष्णा रूपी विश्ववल्ली का जो है ये बढ़ाने वाली वारिधारा है। जैसे जल की धारा विषवल्ली को बढ़ाती है, लता को बढ़ाती है, ऐसे ही तृष्णा रूपी विषवल्ली को ये बढ़ाने वाली है लक्ष्मी। व्याधगीति ही इंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूमले का सच्चरित चित्राणाम तिमिरोद्गति ही शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका सर्व अविनयानाम। समझ में आ रहा होगा, सरल सरल सा गद्यांश है ये। तो Y321 कोड वाली बुक कह रहे हैं, कोड ये बुक का कोड नहीं था जी, ये तो आपको बैच के लिए बताया था मैंने, हम जो पढ़ाएंगे उसके लिए। उत्पत्ति निम्नगा क्रोध आवेग ग्रहाणाम, उत्पत्ति निम्नगा क्रोध आवेग ग्रहाणाम अपान भूमि विषय मधुनाम संगीतशाला भू विकार नाट्यानाम आवास आवास दरी दोषाशी विषाणाम उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणां प्रस्तावना कपटनाटकस्य कदलिका कामकरिणः वंध्यशाला साधु भावस्य राहु जिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य लतेव विटपकान् अध्यारोहति गंगेव वसुजननी अपि तरंगबुद्बुदचञ्चला पातालगुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीमसाहसैकहृदया प्रावृढ इव अचिरद्युतिकारिणी दुष्ट पिशाची व दर्शितानेक पुरुषोच्छ्राया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोती। स्वल्प सत्व वाले व्यक्ति को ये उन्मत्त बना देती है। DSSB के लिए जो बता रहे थे, मैं आपको वो बता रहा था, टेस्ट सीरीज पुस्तक नहीं है वो, आपको टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी और इसमें जा कर के आप ढूंढेंगे टेस्ट सीरीज, तो संवर्धन वारिधारा तृष्णा विश्ववल्ली नाम ये वाला गद्यांश है। इससे प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपरि लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य तिमिरोद्गति ही शास्त्र दृष्टिनाम इति गद्यांशानुसारं तिमिरोद्गति कुत्र भवति। तिमिर अंधकार की जो उत्पत्ति जो है वो कहाँ होती है ये बता रहे हैं। यहाँ पर तिमिर का भाव जो है मोतियाबिंद है, शास्त्र दृष्टि वालों को मोतियाबिंद के जैसी जो है ये करती है, तो ये तो नेत्रे भवति। ठीक है, थोड़ा सा समय रहते इसको पूरा करना है, 4 प्रश्न बचे हुए हैं, समय तो है, 7 मिनट है। उपरिलिखित परिच्छेद पुरह पताका सर्व अभिनयानाम इति गद्यांशे पुरह पताका उच्यते, तो किसके विषय में बात हो रही है ये आपको पता ही है, अभी बताया आपको हमने। बताइए आप लोग किसके विषय में बात हो रही है यहाँ पर। 97 लक्ष्मी के विषय में बात हो रही है ना। लक्ष्मी जो है वो पूरा पताका सर्व अभिनया नाम सभी अभिनयों की पूरा पताका है। कदलिका काम करीण इत्यत्र करीण तुलना के न सहकृता, तो काम करीण में दिखी रहा है काम के समान, जैसे काम रूपी हाथी के समान, काम रूपी हाथी के लिए ये कदलिका है। जैसे हाथी जो है वो कदलिका वन को उसको तहस में उसको बड़ा प्रिय होता है, तो काम रूपी जो हमारा विकार होता है उसके लिए ये बहुत प्रिय होती है लक्ष्मी। तो हाथी की तुलना की गई है काम से, यहाँ पर ये पूछा है ना, कहाँ है काम, काम से तुलना की गई है। सी नहीं है जी, डी काम करीना लिखा हुआ है ऊपर। भीम हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया इत्यंशे को अलंकार, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न है, आप लोग विचार करके दीजिएगा उत्तर इसका। निन्यानवे का सी श्लिष्टोपमा, ठीक है बिल्कुल। उपरि वल्लीनाम संवर्धने कस्यापेक्षा भवति, वल्लीनाम संवर्धने किसकी अपेक्षा होती है ये प्रश्न है। यम संवर्धन वारिधारा विश्ववल्लीनाम, जल की आवश्यकता होती है ना, जैसे जल को वल्ली को बढ़ाने के लिए, लता को बढ़ाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही ये हमारी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए ये लक्ष्मी इस तरह से कार्य करती है। तृष्णा रूपी विश्व वल्ली को बढ़ाने में जल की तरह से काम करती है ये। तो ये यहाँ पर जैसे तैसे करके यह वाला पेपर आपका पूरा हुआ, क्योंकि इसमें एक समस्या ये है, एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी इसको कक्षा को देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, और ये उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्न तो कहीं से भी कर लोगे, आप पुस्तक ले लोगे और उससे प्रश्न कर लोगे, हो ही जाते हैं प्रश्न तो, लेकिन विषय ये है कि प्रश्न की तैयारी कैसे करें, पेपर की तैयारी कैसे करें। पहले वाले जो आपको पुराने प्रश्न पत्र मिलेंगे उनमें आपको प्रश्नों का तरीका जो मिलेगा वो इस तरह से नहीं मिलेगा जो अब आ रहा है। अब आपको इसके लिए 2019 वाला जो पेपर मैंने ये कराया है इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपको 3 दिन में मैंने कराया है ये वाला। कल नई कक्षा हुई थी, परसों हुई थी, और उससे भी 1 दिन पहले कक्षा नहीं हुई थी, उससे पहले दिन हुई थी। तो आपको पुरानी 3 वीडियो दिख जाएंगी मेरी ये वाली, उसमें से आप एक बार फिर दोबारा देख करके, जिन्होंने नहीं देखा है, अपनी तैयारी करिएगा और इस वाले पेपर का ढंग से अभ्यास कर लीजिएगा। मेल आईडी चाहिए आपको, ये लीजिए मेल आईडी AV। वैसे आपको हर एक वीडियो में आरंभ में मेरा मेल आईडी दिखाई देगा, मेरा जो सबसे ऊपर पहले टैग लगा रहता है avidsh@kumar@adda247। adda247.com avdhesh.kumar। कल क्लास होगी, अब क्लास रेगुलर रहेगी। हाँ जी, अब देखो वैसे समय पर कोई अचानक से कुछ हो जाता है नहीं पता, लेकिन कक्षा अब रेगुलर रहेगी क्योंकि जो आवश्यक कार्य थे वो संपन्न हो गए हैं। अब केवल यही हैं आपकी सेवा में हैं, और ये जो प्रश्न पत्र हैं आपके, मैं यही करूँगा अभी, क्योंकि मुझे जो लगता है तैयारी कराने में अभी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि आपको पुराने विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो सब करा दिए जाएं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। अभी मैं सेकंड पेपर ले आता हूँ, क्योंकि जो पुराने सेकंड पेपर हुए हैं वो सरल भी हैं थोड़ा सा। जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, जब आप लोगों को कुछ प्रश्न तैयार भी हो जाएंगे। जो लोग बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं, थोड़े से सेकंड पेपर जो था, जैसे पहले, जैसे 2018 से पहले सेकंड पेपर होता था, 2018 से पहले पेपर 1 के बाद आपको पेपर 2 के ये जो होता है विषय आपका जो होता है उसके 2 पेपर होते थे, पता है ना, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। तो सेकंड पेपर जो है वो सरल आता था, थर्ड पेपर कठिन आता था। तो अभी कुछ प्रश्न जो हैं वो बन जाएगा, अभ्यास बन जाएगा, फिर थर्ड पेपर पर बात करेंगे। वो अच्छा खासा कठिन पेपर पहले भी आता था, तो उससे फिर आपको इस तरफ ले चलेंगे। अभी मैंने शुरू में आपको ये वाला पेपर रखने का, मैं सरल ही पेपर रखना चाह रहा था, पर मेरा ये उद्देश्य था ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इस पेपर को करा करके ये अभ्यास करा दिया जाए कि पेपर आपका ऐसा आता है। तो ये तो हमारा हो गया है कि पेपर आपका आएगा ये वाला, लेकिन प्रश्न तो वही रहेंगे, प्रश्न थोड़ी बदलेंगे। बस इतना है कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे गए हैं आपको। तो मैं इस तरह से तैयारी कराएंगे आपकी। सेकेंड पेपर अभी शुरुआत करते हैं, 8-10 पेपर सेकंड कर लेते हैं। एक वर्ष में 2 पेपर होते हैं, तो 2018 का सेकंड पेपर में कल आपके बीच में लेकर के आऊँगा। 50 प्रश्न हैं, फटाफट से कर देंगे कल 1 घंटे में आराम से। जो प्रश्न विस्तार से बताने वाले रहेंगे वो विस्तार से बताएंगे, बाकी सरलता से करते चलेंगे। लेकिन अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। टेस्ट सीरीज जो पूछ रहे थे आप ले सकते हैं, 7999 यहाँ पर मूल्य दिखाई देगा आपको। लेकिन आपको जब ये कोड डालेंगे DS169, ये कोड डालते ही आपको ये लगभग 160 रुपये की लगभग मिल जाएगी ये, ठीक है जी। यूजीसी नेट का जो है आपका, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, उनके लिए 2500 रुपये लगभग इसका मूल्य बैठेगा। 2400-2500 के बीच में रहेगा संस्कृत सप्ताह महोत्सव के अवसर पर ये भी। तो चलिए, मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक विशेष बात, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बड़ी सूचना ये है कि आपको, आपने वीडियो के शुरू में देखना, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके लिए मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है हमारी ओर से। 30 तारीख को मॉक टेस्ट रखा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पर आपका पेपर होना है। तो कंप्यूटर पर पेपर होते समय आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा। उससे आप अपनी तैयारी परख पाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे कल। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।